यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल के कैंपस में बने मेस के खाने में कीड़े मिलने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर छात्र छात्राओं ने वीसी कार्यालय के सामने जोरदार विरोध किया। छात्राओं का कहना है कि उनके कल रात के खाने में कीड़े पाए गए हैं। छात्राओं ने खाने में आए कीड़ों को हॉस्टल प्रशासन को भी दिखाया, लेकिन उन्होंने छात्राओं की शिकायत को नजरअंदाज किया। छात्राओं ने कहा कि 15 दिन पहले भी इसी प्रकार खाने में कीड़े सामने आए थे, तब भी हमारी बात नहीं सुनी गई थी। यहाँ हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसलिए गर्ल्स हॉस्टल में दोबारा खाने में कीड़े मिलने के बाद छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। ये यमुना हॉस्टल की बात है, पहले भी ये चीज़ हो चुकी है और हमने इस इशू को लेकर पहले भी बोला था, लेकिन तब भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हुआ था और अब भी नहीं हुआ। कल की ही बात है, कल हम लोगों ने कीड़े नोटिस किए। हमने खाना पैक करवाया हुआ था, तो हमने बाद में जब खाने लगे तो हमें कीड़े दिखे वाइट वाइट कलर के, तो हमने जाके मैम को, वार्डन मैम को इस बारे में बताया। वार्डन मैम ने कोई एक्शन नहीं लिया। पहले तो मैम ने बोला कि ये कीड़े नहीं है, उन्होंने ये बोला कि ये जो चावल होता है बॉयल होने के बाद वो कट जाता है, उसकी वजह से है। फिर उन्होंने बोला कि जो लोबिया दाल होती है जैसे, या फिर राजमा होती है, उसमें ऐसा निकलता ही है, पर ऐसा नहीं होता। या तो वो एक्सपायर हो चुकी होती है या फिर उसमें कीड़े ही थे। फिर बाद में फूड इंस्पेक्टर भी आए थे वहाँ पे और फूड कमेटी भी आई थी, उन लोगों ने खाने को टेस्ट भी किया रात को, रात को भी कीड़ा मिला है। वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर तो उस टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन एक और अंकल हैं, वो उन्होंने भी बोला कि वहाँ पे कीड़ा प्रेजेंट था, उन्होंने खुद बोली है ये बात। फिर अब इन्होंने बोला कि मैस को बंद कर दिया अभी के लिए, ब्रेकफास्ट भी हमने दूसरे मैस से किया था, अब बोल रहे हैं कि लंच भी उसी से करो, जब जो ये फूड सिक्योरिटी वाले आएंगे वो अपना बताएंगे। कितनी बार ये दो बार हो चुका है ऑलरेडी, एक तो कल हुआ है और एक पहले कढ़ी में मिला था कीड़ा। उस टाइम पे तो कोई इतना ज़्यादा बड़ा इशू क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन कल तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि लंच में भी हमने सेम इशू फेस किया, फिर रात को भी वही। छात्र दीपेंद्र बरार ने बताया है कि इस प्रकार का खाना खाने से अक्सर बच्चे बीमार पड़ते हैं और ये घटना बार बार सामने आ रही है। उनका कहना है कि बार बार इस प्रकार की घटनाओं के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन दोषी ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहता, जिससे प्रशासन की मिलीभगत नजर आती है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने हॉस्टल में सुविधाएं बढ़ाने, मेस चार्ज कम करने, विभिन्न कोर्स के लिए बढ़ाई गई फीसें वापस लेने सहित अन्य मांगों को लेकर भी जमकर नारेबाजी की। देखो, जो भी कॉन्ट्रैक्टर को मेस दी जाती है तो उस कॉन्ट्रैक्टर को मेस देने से पहले वो कुछ साइन करवाए जाते हैं नॉर्म्स पे, कुछ कंडीशंस होती हैं। एक तो सबसे कम रेट पे देगा और सबसे अच्छा देगा। अब कम रेट पे तो मैं बोल दूंगा 50 में दे दूंगा, लेकिन 50 में तो दलिया दे पाऊंगा ना, तो इसका कंडीशन क्या है? हर बार यूनिवर्सिटी रूल रखती है कि सबसे कम वाले को देंगे, लेकिन ख़राब देगा तो उसको बैन कर देंगे। आज तक दो ही, मैं 8 साल से यूनिवर्सिटी में हूँ, 2014 में लॉ में आया था, तो 8 साल में सिर्फ 2 ही कॉन्ट्रैक्टर बैन हुए हैं। खाना तो बहुत सारे ख़राब देते हैं। इस बार क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्टर नया है बिल्कुल, 2 स्ट्रो इसको मिले हैं, इनको इन्होंने सबसे कम डाइट भरी थी 94 भरने के बाद भी इनको ये अच्छा खाना नहीं दे पा रहे हमें। 94 काफ़ी होता है 550 बच्चे का खाना बनाना, उसमें तो अगर 10-10 रुपये भी मार्जिन है तो बहुत बड़ा मार्जिन है वो। तो वो खाना, उसमें कीड़े मिले 15 दिन पहले, हमें लगा कि 2 ही दिन मैच शुरू हुए हैं, चलो मान लिया कि हो सकता है कोई ख़राब आ गया हो, पहली बार हॉस्टल लिया है उन्होंने, हो सकता है उसमें कुछ कमियाँ हो, तो उसको दूर कर लीजिएगा। बात की प्रशासन से, चीफ वार्डन से, वार्डन से, वीसी ऑफिस, तो उन्होंने बोला जी मांग आपकी मान लेंगे हम, इसको हम ध्यान देंगे, आगे से ध्यान रखेंगे। कल दोपहर के खाने में कीड़े मिले, कल शाम के खाने में मिले। अब जिसने दोपहर को कम बच्चे खाते हैं, शाम को सारी लड़कियां थी यमुना हॉस्टल में, तो वहां जब कीड़े मिले उन्होंने रौला पाया, शोर शराबा किया, स्ट्राइक की, तो वहां चीफ वार्डन और वार्डन आ गए, ऐसा उन्होंने लड़कियों ने बोला। तो वार्डन मैम आए जब, तो लड़कियां बोली कि मैम ये कीड़े हैं, बोली हम लैब में टेस्ट करवाएंगे। लड़कियां और मैडम दोनों ही स्त्री हैं, दोनों फीमेल हैं, उनके खाना बनता है, उनको पता है, वो खुद बनाती हैं कि उसमें क्या खराबी है, कीड़े कैसे होते हैं, तो बोली लैब में टेस्ट कराएंगे। लड़कियां बोली ठीक है मैम, ये कीड़े नहीं होंगे, अब खा लो खाना, तो मैडम वहां से उठ के चले गए। तो इसका मतलब वो कीड़े थे और प्रशासन उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। पहली मांग हमारी ये है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर बैन होने चाहिए, 10 लाइन में और खड़े हैं। वही हॉस्टल चीफ वार्डन प्रोफेसर दिनेश ने कहा कि अगर बच्चे यहां इकट्ठा हुए हैं तो कुछ ना कुछ कमी खाने में जरूर होगी और इसकी जांच कराई जा रही है। वही जब उनसे पूछा गया कि क्या ठेकेदार का टेंडर खत्म किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि ये अभी जांच का विषय है, इसको लेकर कमेटी बनाई जाएगी। खाने के सैंपल को टेस्ट के लिए लैब में भेज दिया गया है, रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो एक्चुअली क्या है कि आजकल थोड़ा सीजनल भी दिक्कत है, तो ये जो बच्चे कह रहे हैं कि कुछ तो बात है उनके उसमें, तो हमने उनसे मांग पत्र ले लिया है और उनकी मांगों पर प्रशासन गौर करेगा और जो कंसेशन हम बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय बच्चों के लिए है, वो हम देने की कोशिश करेंगे। सर, कीड़े मिले हैं तो उसका टेंडर भी रद्द हो सकता है जो ठेकेदार है सर? वो अभी जांच का विषय है, क्योंकि दोनों प्रकार की बातें उसमें आ रहे हैं
कि कुछ मटेरियल में मिला है कुछ में नहीं मिला है, या मिला है या नहीं मिला सर, वो एग्जैक्टली वीडियो तो देखो आजकल कई प्रकार की वीडियो सोशल मीडिया पे आई जाती हैं। कुछ जो पिछली मेरे पास भी आई थी तो उसमें तो वो बच्चों ने वायरल तो करी थी लेकिन वो प्लेट विश्वविद्यालय की थी भी नहीं, तो स्तर पे इसकी जांच की जाए। एक्चुअली वो बिल्कुल हमारे लेवल चीफ वार्डन लेवल पे भी होगी और आगे हम देखते हैं उसको कि कैसे उसको रिजॉल्व किया जाए। बहरहाल प्रदर्शनकारी छात्र ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि रिपोर्ट आने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों की मांग को कब तक पूरा कर पाता है। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।